16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जब दिल्ली की सड़क पर एक चलती बस में कुछ विकृत दिमाग के युवकों के द्वारा एक गैंग रेप को अंजाम दिया गया और उसके बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी कर उसे और उसके साथी को चलती बस से नंगा कर उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। सुबह घटना मीडिया में आई और पूरा देश शॉक्ड रह गया। लोगों के अंदर गुस्से और डर ने देश को एकजुट करने का काम किया और देश भर में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन ने एक उग्र आंदोलन का रूप लिया और सड़क से लेकर संसद तक इस घटना पर कई विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने फाइनली SIT जांच बिठाई और कई सालों की हेयरिंग के बाद 20 मार्च 2020 को 6 में से 4 आरोपियों को फांसी पर लटकाया गया। मीडिया खुश, जनता खुश, #, कानून की जीत, #, जस्टिस सर्वड। पर असल में कैसा न्याय और कैसे कानून की जीत? इतने हाई प्रोफाइल केस में भी फास्ट ट्रैक से पूरे 7 साल और 3 महीने का टाइम लग गया और वो सब भी हमने देखा कि कैसे फांसी को टालने के लिए कानून के अनसमझे धाराओं का इस्तेमाल किया गया और सबके सामने कानून की धज्जियां उड़ाई गई। निर्भया के माँ बाप और देश की जनता के धैर्य का बार बार इम्तिहान लिया गया। इस जन आंदोलन से एक उम्मीद की किरण जगी थी कि अब समाज में कुछ बड़ा बदलाव आएगा। एक आरोपी केवल इसलिए बच गया क्योंकि कानून के मुताबिक वयस्क होने में अभी उसे कुछ महीने बचे हुए थे। इतने बड़े जन आंदोलन से बस इतना सा ही बदलाव आया कि 22 दिसंबर 2015 को कानून में वयस्क बनने की उम्र 18 से 16 साल कर दी गई। कानून से फास्ट तो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री निकली जिसने इतने ही सालों में दर्जन भर फिल्में और डॉक्यूमेंट्री निर्भया केस के ऊपर बनाई और अच्छा प्रॉफिट कमाया। पर इन सब के बावजूद क्या रेप के केसों में कमी आई? नहीं। क्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक आज भी देश में हर दिन 87 रेप केसेस आते हैं और ये रिपोर्ट के आंकड़े आए दिन पीड़ित या फिर पीड़ित के परिवार वाले सोशल मीडिया में FIR तक दर्ज कराने के लिए अपील करते रहते हैं। यानी कि ये आंकड़ा क्राइम रिपोर्ट के आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा है। निर्भया के केस में तो फिर भी 7 साल बाद दोषियों को सजा मिल गई थी और हाँ, इसके पीछे हमारे देश के कानून को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इसके पीछे हाथ था जन आंदोलन का और उस आंदोलन को लगातार मिलने वाले मीडिया कवरेज का, जिससे हमारे न्याय व्यवस्था पर प्रेशर बना और फाइनली फैसला आ ही गया। अब सवाल यह है कि अभी और कितने आंदोलन की जरूरत पड़ेगी इस देश में एक अदद कानून को लाने के लिए, जिससे कि यह आंकड़ा जीरो हो सके। और जीरो ना भी हो सके तो कम से कम आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई तो हो। एक कानून जिसमें रेप केस के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था हो, जिसमें वकील से लेकर जज तक के लिए डेडलाइन हो और मैक्सिमम टाइम टू रिजॉल्व केस फिक्स हो। एक कानून जिसमें आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका तो मिले पर आरोप तय होने के बाद कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तो फिर भी सस्ती मौत है। रेप और फिर शरीर के साथ ऐसा घिनौना काम, यह सिर्फ लड़की या उसके परिवार तक सीमित होने वाला अपराध है ही नहीं, यह पूरे समाज को पीछे धकेलने वाला अपराध है। यह उस गंदी सोच को बढ़ावा देने वाला अपराध है जिसमें गर्ल्स चाइल्ड भ्रूण हत्या को जायज ठहराया जाता है। रात में केवल बेटी को अकेले बाहर जाने से रोका जाता है। कपड़ों के साइज से कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं और तो और लड़का लड़की के बीच फर्क करने को भी सही करार दिया जाता है। और उनके तर्कों को जस्टिफाई कैसे किया जाता है? इन्हीं रेप केसों से। तो इतने बड़े अपराध पे सिर्फ फांसी? जरूरत है एक बड़े आंदोलन की, पर यह आंदोलन होंगे कैसे जब समाज में सच्चाई के ऊपर लोगों का पार्टी प्रेम ज्यादा हावी होने लगे, समाज को एकजुट करने का ढोंग करने वाले ही समाज को बांटने का काम करने लगे, रेप केस के बहाने नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने का प्रयत्न करने लगे। निर्भया केस में न्याय केवल समाज के एकजुट होने से मिला था। किसी नेता के रहने या न रहने से न ये घिनौने काम रुकेंगे और न ही कम होंगे। केवल कानून में बदलाव, एक अलग न्याय व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता ही इसका एकमात्र समाधान है। आइए मिलकर देश की इस बेटी के लिए लड़ते हैं और कठोर कानून की मांग करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब के लिए आपसे कोई अपील नहीं करूंगा, पर हाँ, समान अधिकार और कड़े कानून के समर्थन के लिए शेयर की उम्मीद जरूर करता हूँ। जय हिंद।